थैंक यू जी कैसे हैं आप लोग है? मस्त झ से झकास। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है बढ़िया बढ़िया सो जो लोग नहीं जानते हैं मैं बताना चाहता हूं मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं नोन एज एम एस के एम एस के मोहम्मद सलीम खान और uh, मेरी लाइफ में मैं जो कुछ भी करता हूँ चाहे वो ट्रैवल करना हो बाइक्स हो या कार हो या घर में चाय बना रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसका वीडियो बनाता हूँ और मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ एंड उसको लोग लाइफ स्टाइल कहते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में तो एम ए लाइफ स्टाइल एंड हैविंग वन मिलियन हिंदी में कहते हैं सो so, सो so, 16 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब तो काफ़ी कुछ है बताने के लिए आ, मैं होप जो है ना अपनी सबकी जिंदगी में एक चीज़ कॉमन होगी होप और एक होप आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ ला सकती है मैं अपने जिंदगी की कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ तो आ, एट द सेम टाइम मैं होप को थोड़ा कमज़ोर भी मानता हूँ लाचार भी मानता हूँ अगर आपने हार्डवर्क ना करके सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं एंड देन सिर्फ होप कर रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा तो वो वो भी गलत है हाँ सो माई मॉम इज़ फ्राम वेस्ट बंगल और डैड मेरे कर्नाटका से हैं तो मतलब ये इतना हिस्सा जो है ये बेंगाली है इतना हिस्सा जो है वो साउथ इंडियन है सो so, uh, थोड़ा ऐसे कॉकटेल कह सकते हैं तो आ, मुंबई में आया था जब मैं पाँच साल का था अपनी मॉम डैड और भाई के साथ तो जब हम लोग वेस्ट बंगाल से मुंबई आ रहे थे तो मैं बहुत छोटा था डैड का हाथ पकड़ा हुआ था और मतलब डैड के यहाँ तक रहूँगा इतना ही मतलब और डैड ने मेरे को एक बात बोली थी होप देते हुए कि खूब पढ़ाई करना पढ़ाई करने से ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं तो वो एक सेंटेंस दिमाग में ऐसा छिपक गया और उस एक सेंटेंस ने मुझे होप दिया कि मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ उसको हासिल कर सकता हूँ तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैं हमेशा अपने स्कूल में टॉप किया हूं मतलब अगर स्कूल में फर्स्ट कोई आ रहा है तो वो मैं रहूंगा स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था अगर स्पोर्ट्स में कोई जीत रहा तो वो मैं हूं अगर स्कूल में लड़ाई भी हो गई तो वो मैं हूं तो मैं बहुत बदमाश भी था तो मैं सब चीज में नंबर वन <laughs> तो उस वक्त मतलब वो एक सेंटेंस ने मेरे को ये चीज सिखाया कि जिंदगी में सीखते रहना चाहिए और वो चीज़ आज भी मुझे जिंदा रखती है मतलब मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ मैं सीख रहा हूँ तो मैं ज़िंदा हूँ अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ तो मैं मरा हुआ हूँ तो आज भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सीखते रहता हूँ अब जब मैं स्कूल में था तो हमारे एक हिंदी के टीचर हैं संजीव सर तो आ, संजीव सर मतलब मैं मैं उनको मतलब उनका मैं फेवरेट और वो मेरे फेवरेट मतलब बहुत अच्छे सर थे उनका एक स्टाइल था वो कभी कुछ कोई बच्चा बच्चा मस्ती वस्ती कर दे इधर आ ऐसे गर्दन पकड़ते थे ऐसे झुकाते थे थौर का हैमर हमारी आत्मा परमात्मा को नमन करके आती थी <laughs> बोलती थी कि सर हो गया संजीव सर ने मुझे जिंदगी में दोहे सिखाए तो जब वो हमारे हिंदी के टीचर थे दोहे एक्सप्लेन करते थे तो दोहों ने मेरे लाइफ में बहुत इफेक्ट डाला है आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे कहीं कही ना कहीं वो दोहे हैं एक दोहा मैं आपको बताता हूं कबीर दास जी का करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर होत निशान कबीर दास जी कहते हैं कि कोई भी अनस्किल्ड अकुशल अकुशल मतलब जिसके पास कोई स्किल नहीं है जो बहुत ही मूर्ख है वो इंसान भी टैलेंटेड बन सकता है वो इंसान भी स्किल अप डेवलप कर सकता है रसरी आवाज जाते सिल पर होते निशान मतलब जिस तरह से कबीरदास जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से जब हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी डालकर तो कुएं के पास जो पत्थर होते हैं वो बार बार घिसने से एक कोमल सी रस्सी भी पत्थर को चीर देती है उस पर निशान आ जाते हैं तो उस दोहे से मैंने ये चीज़ सीखा कि इस ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं सीख सकता कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो मैं डेवलप नहीं कर सकता हूँ तो वो एक दोहे ने होप दी थी मुझे कि मैं कोई भी टैलेंट को अक्वायर कर सकता हूँ तो वहाँ से वो चीज़ आई अब मैं जब स्कूल में था मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था मेरे को सीखने की बड़ी इच्छा होती थी क्रिकेट खेलते खेलते आ, Uh, मैं मेरे को तीन महीना हुआ था और तीन महीने में मैं एम सी ए कैम्प सेलेक्ट हो गया था दादर से एम सी ए स्टैंड फॉर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन तो जो जो एम सी ए कैम्प में अच्छे खेलते हैं वो सिलेक्ट होते हैं मुंबई टीम के लिए तो uh, मैंने दादर से खेला अंडर फिफ्टीन एक साल अंडर सेवेंटीन एक साल उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को बैक में इंजरी हो गई और मैं क्रिकेट आगे खेल नहीं पाया तो जब मैं क्रिकेट खेलता था ये होप से खेलता था कि एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा इंडिया के लिए खेलूंगा लेकिन वो बैक इंजरी ने सारे होप्स तोड़ दिए मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि मैंने क्रिकेट के अलावा लाइफ में कुछ सोचा ही नहीं था मुझे सिर्फ क्रिकेटर बनना था और क्रिकेटर में बन नहीं पाया संजीव सर ने एक बात और बोली थी जो अभी भी मुझे याद है बहता हुआ पानी हमेशा हमेशा बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध होता है और रुका हुआ पानी जो होता है उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं हमें ज़िंदगी में बहते रहना चाहिए तो वहाँ से एक होप मिली कि अब रुकना नहीं है अब कुछ ना कुछ करना है आगे बढ़ते रहना है एक जगह पे रुकना कभी नहीं है जब मैं अराउंड नाइन्थ या टेंथ में रहूंगा उस टाइम एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मेरे डैड बीमार पड़े थे मैं धारावी में रहता था हमारे घर का रेंट हुआ करता था पच्चीस से तीन हज़ार और हमारे घर की टोटल इनकम थी अराउंड सात हज़ार डैड भी जॉब करते थे मॉम भी जॉब करते थे तो उस वक्त मॉम डैड ने मिलके कुछ सालों में बहुत ऐसा जमा पूंजी सेक्रीफाइस करके बहुत ऐसी चीजें थोड़ी जमा करके रखी थी डैड जब बीमार हुए थे वो सारा का सारा खत्म हो गया अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में मैं लोग मुझे होप्स मतलब दे रहे थे कि ये करना है ये करना है और एक ऐसा टाइम आया मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं अपने घर वालों के लिए एक होप बन गया था मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अब कुछ करना है घर के लिए उससे पहले मुझे नहीं पता था कि घर की इनकम क्या है डैड कितना कमाते हैं मॉम कितना कमाते हैं कुछ नहीं पता था उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि घर की इनकम क्या है मैं बड़ा खुश था अपनी दुनिया में मेरे घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था ओनेडा का उसके बाजू में पाँच रुपए के दो सिक्के डैड सुबह सुबह रखते थे वो सिक्के हम उठाते थे स्कूल जाते थे ढाई रुपए का एक वड़ापा आता था दो वड़ापा खा सकते थे हम लोग पार्ले जी बिस्किट आता था वो वो पाँच रुपये से इतनी खुशी मिलती थी कि मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं बहुत खुश थे हम लोग मेरे को कभी इच्छा हुई नहीं कि कुछ करूँ मैं लेकिन उस टाइम के बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर आई तो फिर मैंने पैसे कमाना पैसे के बारे में सोचना शुरू किया और मैंने ऐसे ऐसे काम किए ज़िंदगी में मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोग को मैंने शुरू किया था टेलर से मैं लेडीज़ टेलर हुआ करता था उसके बाद में मैं इंश्योरेंस एजेंट बना मैंने लोगों के पैन कार्ड बनाए मैं वेटर बना और नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने बहुत काम किए लेकिन उस काम में मैंने ज़्यादा कुछ कमाया नहीं था सिर्फ मैंने कमाया था एक्सपीरियंस और जो भी काम करता था मैं उसमें ये नहीं सोचता था कि यार ये काम मुझे नहीं करना ये काम मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुंचाएगा या फिर ये काम बहुत गंदा है मैंने मतलब लोगों के कार वॉश करने का भी काम किया मैंने सब काम को दिल से किया और अच्छे से किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मैं सीखूंगा वो सीखने का जो कीड़ा था जो डैड ने बचपन में होप दिया था वो होप अभी भी है मेरे को सीखने की बड़ी इच्छा है हर चीज़ को मुझे नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना है बस वो एक होप की वजह से मैं जब कॉलेज में आया तब मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया ई e कॉमर्स का अब ई e कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए तुम्हें आना चाहिए इंग्लिश तुम्हें आना चाहिए कंप्यूटर तुम्हें आना चाहिए वेबसाइट uh, बनाना मैंने सोचा तो कितनी सारी चीज़ें सीखने लायक अब तो और मजा आएगा क्या बड़ी बात है इंग्लिश को सीखना सीख लेंगे सीख गया इंग्लिश क्या बड़ी बात है कंप्यूटर सीखना सीख गया क्या बड़ी क्या बड़ी बात थी कि मैं वेबसाइट बनाऊं और ये सब वेबसाइट बनाना भी सीख गया मैंने एक ऐसी करके चीज़ होती है इंटरनेट पे वो भी मैं सीख गया कोई बड़ी बात नहीं थी सीख गया और फिर मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू करते गया और जो काम मैंने अपने जिंदगी में पहले किए थे उन सब का एक्सपीरियंस इस बिजनेस में काम आया और ऐसे करते गया करते गया करते गया मेरे मॉम डैड का एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि मुंबई में हमारा एक खुद का घर हो क्योंकि हम लोग घर बदलते रहते थे और धारावी एरिया ऐसा था कि मतलब क्या ही कहना है तो मॉम और डैड का एक सपना था कि मुंबई में घर हो मैं था 21 साल का और मुंबई में मैंने खुद का घर खरीदा था मुझे याद है मैं मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को घुसबा मारे हुए भी <laughs> क्योंकि वो मम्मी का इमोशन सब सामने आ गया था तो 21 uh, साल में मतलब मेरा कॉलेज खत्म ही हुआ रहेगा मैं, मैं मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से तो 21 साल की उम्र में मैंने घर खरीद लिया मैंने गाड़ी भी ले ली और उसके बाद में मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी वो थी इक्कीस लाख रुपये की मतलब मैं इक्कीस साल की उम्र में इक्कीस लाख की स्पोर्ट्स बाइक चला रहा था धराई में <laughs> तो अब क्रिकेट के अलावा जिंदगी में कुछ करना नहीं था जिंदगी में मेरे को जो बेसिक नीड्स चाहिए थे वो नीड्स तो ये बाइक नहीं है वैसे कि, वो दूसरी बाइक है <laughs> तो जिंदगी में बेसिक नीड्स थे मेरे कि घर गाड़ी और बाइक चाहिए मैंने कर लिया था अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं मेरे कोई बड़े ख्वाब नहीं थे कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं मतलब सब कुछ तो मिल गया जो चीज़ चाहिए थी अब क्या करना है तो मैंने एक साल मतलब ये ढूंढने में लगा दिए कि करना क्या है तो मैं टी बहुत देखता था क्रिकेट खेलता था और उसके साथ साथ टी भी बहुत देखता था इसीलिए मेरे घर में टी था तो मूवीज़ मुझे पसंद था तो क्रिकेट के बाद अगर कोई प्रोफेशन मेरे करीब है वो है मूवीज़ एक्टिंग अब मेरे दिमाग में आया कि अपन बनेगा एक्टर मैं एक्टिंग करेगा हीरो बनेगा और ऐसे सबको हाँ कैसे हो कैसे ऐसे करूँगा तो एक होप जागी कि मैं एक्टर बनूँगा लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे ये स्किल्स को अक्वायर करना है तो मुझे प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा मैंने एक साल थिएटर किया काफ़ी इंटेंसिवली मैंने एक्टिंग किया अशवत अशवत जैसे कैरेक्टर्स किए और ये उस टाइम का है जब मैं अश्वत्थामा प्ले कर रहा था तो अब एक्टिंग स्कूल में मैं जहाँ पर था वहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स भी थे अलग अलग डायरेक्शन बैच के थे कोई एडिटिंग बैच का था कोई साउंड का था तो ये सारे लोग वहाँ पर थे और हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिलता था सब साथ में मिलके फिर फिल्में बनाते थे वहाँ पर फिर मेरी एक्टिंग खत्म हुई और मैं गया इंडस्ट्री में जॉब के लिए ऑडिशन देना चालू किया और अराउंड पाँच महीने में मैंने वहाँ से भी पाँच छः लाख रुपए कमा लिए थे मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आ, मतलब वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ काम नहीं मिल रहा काम मिल गया था काम कैसे काम मैंने एक्टिंग की बहुत इंटेंस कि कुछ करना है मतलब ऐसे गैंग्स ऑफ वसीफुर वाली मूवी के लिए एक्टिंग की है और मुझे काम मिल रहे थे कैसे एक डायरेक्टर है पुनीत मल्होत्रा एक मैंने हेड एंड शोल्डर का एड किया था तो मेरा काम ऐसा था कि सामने तमन्ना थी मैं पीछे था है क्या हाँ ये तो मैं बस ऐसे खड़ा हूं और सर मुझे कह रहे हैं सलीम स्माइल तो मेरा काम था बस ऐसे स्माइल करना <laughs> वो हार्डली एक सेकेंड का क्लिप होगा और मुझे मिल गए थे उस एक एड के एक दिन के लिए पचास हजार रुपये मैं ऐसे काम कर रहा था <laughs> लेकिन ये ताली बजाने वाली बात नहीं है ये दिल तोड़ने वाली बात थी कि यार मैंने काम ऐसे किए और मुझे क्या मिल रहा है ये पैसे तो कमा लिए अब जो चीज़ करना है जो चीज़ सीखना है वो मिल नहीं रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मतलब मजा नहीं आ रहा है मैंने बोला यार पैसे वैसे तो कमाते रहेंगे अभी हमें करना है कुछ और मैंने जिस एक्टिंग स्कूल्स में मेरे सारे दोस्त बने थे मैंने सबको इकट्ठा किया उसमें एडिटर भी था सिनेमाटोग्राफर सबको इकट्ठा करके मैंने एक फिल्म कंपनी शुरू की और हम लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया शॉर्ट फिल्म्स पहली हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई और उस उस शॉर्ट फिल्म्स को हम लोगों ने नासिक फिल्म फेस्टिवल में भेजा और वहाँ पर उस फिल्म को बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला ये भी खराब बात थी <laughs> क्योंकि वो अवार्ड मिलने के बाद में सबके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ऐड हो गई कि भाई शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और नासिक फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला है तो सबको काम इजीली मिल गया और जिनको काम नहीं मिला वो थे एक्टर <laughs> अब मैंने पूरा पैसा डाला कंपनी बनाई गियर्स खरीदे अब करे तो करे क्या मैंने सारे गेयर्स को ऐसे कब्ड के नीचे डाल दिया और मैं सोच रहा था कि अब क्या करें एक साल का टाइम हो गया उसके बाद मेरे को पता चला व्लॉगिंग के बारे में तो आप लोग मुझे जानते हो यूट्यूब की वजह से अब मेरी यूट्यूब की कहानी शुरू होती है तो जब मैं एक्टिंग कर रहा था और मैंने यूट्यूब जब शुरू किया तो मेरा यूट्यूब करने का मकसद था सीखना मैं सीखना चाहता था कि एडिटिंग क्या होती है मैं सीखना चाहता था कि फिल्म मेकिंग क्या होती है तो एडिटिंग फिल्म मेकिंग सीखने के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया एंड लोगों को वो पसंद आने लगा लोग तारीफ करने लगे लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे लोग बोल रहे थे कि यार थोड़ा रेगुलर व्लॉग डालो क्योंकि मैं उस टाइम पे एक हफ्ते में एक व्लॉग डालता था क्योंकि फ्राइडे के दिन मूवी रिलीज़ होती थी तो मैं भी अपना व्लॉग फ्राइडे के दिन रिलीज़ करता था फुल बॉलीवुड स्टाइल में मेरे व्लॉग्स अगर देखोगे ना आपको बहुत सारे उसमें मूवीज़ के डायलॉग मिलेंगे बहुत मतलब फुल ऑन एकदम मूवीज़ वाला फील मिलेगा निकलने वाला था अभी बच गया तो ऐसे करके फिर मैंने अपना YouTube की जर्नी शुरू किया और होप था कि भाई कुछ होगा और अब वो एक्टिंग वैक्टिंग सीख के फिर वापस फिल्म मेकिंग सीख के वापस एक्टिंग वैक्टिंग करेंगे मैंने ना जिंदगी में जितने भी काम किए ना मुझे ये नहीं पता था कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा लोग ये सोचते हैं ना बहुत सारी लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कुछ कुछ काम आपको नहीं भी पसंद है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि पैसे कमाने हैं पैसे देने हैं मेरे लिए मैंने जितने भी काम किए ना मैंने सारे काम से मोहब्बत की है मैंने सीखने के लिए किया और मुझे नहीं पता कि सब एक के बाद एक के बाद आते गए जब मैं पैन कार्ड बना रहा था ना मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और जब मैं खुद का बिजनेस शुरू किया था मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करूंगा और जब मैं एक्टिंग कर रहा था मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब करूंगा अभी मैं यूट्यूब कर रहा हूं आगे मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता लेकिन एक होप है जिंदगी में कि कुछ ना कुछ मैं करूंगा कुछ मेरे सपने हैं वो फुलफिल होंगे एक बात मैं आप लोग को कहना चाहूंगा लास्ट में कंक्लूड करते हुए होप एक ऐसी चीज है जिससे शुरू होता है आपके सपने आपकी इमेजिनेशन हार्डवर्क विल पावर ये सब का जो शुरुआती लेवल है वो है होप जिंदगी में कभी भी होप मत छोड़िएगा क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी और वो होप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं वही होप था जिससे मैंने सीखने की इच्छा अपनी डेवलप की वही होप था जिससे मैंने स्किल्स को एक्वायर किया यही होप था जिससे आज जिंदगी में जो भी मेरे हो रहा है वो एक होप की वजह से तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा होप करते रहो और तो मैं जब अपना यूट्यूब का वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ हेलो नमस्ते इज़ वरहबा सलीम खान सो so, इसके पीछे की भी कहानी बता देता हूँ मैं कि हेलो नमस्ते वनकम होला मरहबा यह अलग अलग देशों से लिया गया है हेलो को और ये सारे देश वो है जिस देश में मैं घूमना चाहता हूँ वो सारे मेरे ड्रीम कंट्रीज़ हैं और हमेशा मैं जब ये कहता हूँ कि लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम जिंदगी को जीना और ज़िंदगी को काटना दो अलग अलग चीज़ें होती है लिव योर लाइफ का मतलब आपको लाइफ जीना होता है काटना नहीं एंड लिव योर ड्रीम तो बस जिंदगी में सीखते रहो जिंदगी में स्किल्स डेवलप करते रहो और जो भी काम कर रहे हो दिल से करो क्योंकि वही काम है जो आगे जाके आपके डॉट्स कनेक्ट करेंगे थैंक यू सो मच